नमस्ते और स्वागत है आपका लाइव जर्नी विद अनापन और विपासना के यूट्यूब चैनल पर। आओ अपनी जीवन की यात्रा में हमारे साथ जुड़कर अनुभव की समृद्धि पाएं। अनापन और विपासना के साथ लाइव जर्नी को सब्सक्राइब करें और अपनी रोचक और ज्ञानवर्धक सफर में हमारा साथ लेकर चलें। इंसान भविष्य के बारे में सोच के परेशान होता है, क्या करे? इंसान का भविष्य के बारे में सोचने पर ध्यान होना सामान्य है, क्योंकि आने वाला समय अनिश्चित है और हमारे जीवन पर प्रभाव डालता है। अगर आप फ्यूचर के लिए परेशान हैं, तो कुछ उपाय आपकी मदद कर सकते हैं। माइंडफुलनेस और मेडिटेशन। आप विपश्यना, माइंडफुलनेस या अन्य प्राणायाम और ध्यान प्रक्रियाओं को अपनाएं। ये आपको वर्तमान में स्थिरता और शांति प्रदान करेंगे। ध्यान के द्वारा आप अपने विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं और अनंत के सामायिक अनुभव को प्राप्त कर सकते हैं। वार्ता की उपस्थिति। जिंदगी का आनंद और खुशी वर्तमान में ही पाया जाता है। आप समय की उपस्थिति में रहें, अभी का आनंद उठाएं और समय को प्रयोग करके अच्छे कर्म करें। यदि आप वर्तमान में स्थिर और प्रसन्नता प्राप्त कर सकते हैं, तो भविष्य स्वाभाविक रूप से अच्छा होगा। संकल्प क्षमता का विकास। संकल्प शक्ति और मानसिक दृष्टि का विकास करने के लिए आप अपने लक्ष्य और लक्ष्यों को स्पष्ट करें। एक सही निष्कर्ष निकालने के लिए जरूरी है कि आप अपने प्राथमिक और महत्वपूर्ण कार्य पर ध्यान केंद्र करें और समय और ऊर्जा को सही तरह से व्यवस्थित करें। सेहत का ध्यान रखें, अपनी शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आप योग, व्यायाम, सही आहार और प्राणायाम जैसे स्वास्थ्य प्रबंधन के तरीकों को अपना सकते हैं। ये आपको स्थायी शक्ति और सहन शक्ति प्रदान करेंगे, जिससे आप भविष्य की चुनौतियों का सामना कर सकेंगे। कार्यों का प्रबंधन। फ्यूचर के बारे में सोचना जरूरी है, लेकिन उसमें अत्यधिक व्यवस्थित रहना या चिंता करना सही नहीं है। अपने कार्यों का सामायिक और तत्काल प्रबंधन करें, जिससे आप अपने उद्देश्यों की या अग्रसर रह सके और समय का प्रयोग अच्छे तरीके से कर सकें। सहायता और सत्संग। अपने मुद्दों को शेयर करें और सहायता मांगें। अपने प्रिय व्यक्तियों, दोस्तों या परिवार के साथ बात करें। साथ ही सत्संग या सामाजिक संगठन में शामिल होकर सामाजिक सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। एक सामुदायिक रूप से आपको आसपास के लोगों से सीखने और सहायता प्राप्त करने का मौका मिलेगा। सर्वाधिक महत्वपूर्ण